नौगलायता को नहीं मिला न्याय, दर दर भटकने को मजबूर। मामला उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के अंतर्गत ग्राम बक्सी गांव का, जहां एक नवविवाहिता श्रीमती साहिबा न्याय के लिए खा रही है दर दर ठोकरे। हमारे संवाददाता से हुई वार्ता के दौरान पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी मुस्लिम रीति रिवाज से 22 अप्रैल 2019 को अशरफ के साथ संपन्न हुई थी, जिसमें उनके माता पिता तथा सगे संबंधियों ने अपनी हैसियत के अनुसार तमाम दहेज व उपहार दिए थे। परंतु पति अशरफ समाप अलमदार जेठ जेठानी एवं ससुराल वाले आए दिन दहेज के लेकर प्रताड़ित करते चले आ रहे थे। फिर भी पीड़िता लोकलाज के कारण सहन कर रही थी। एक दिन ऐसा आया कि ससुराल वालों ने पीड़िता को मारा पीटा एवं मिट्टी का तेल डालकर जलाने जा रहे थे। तभी नवविवाहिता की चीख सुनकर ग्रामवासी एवं राहगीरों ने किसी तरह जान बचाई। ससुराल वालों ने घर से कहते हुए निकाल दिया कि 2 लाख रुपए तथा एक मोटरसाइकिल लेकर ही मेरे घर में कदम रखना। पीड़िता ने क्षुब्ध होकर स्थानीय थाना नवाबगंज में तहरीर दी, जिस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर भी महिला ने लिखित तहरीर महिला थाना बहराइच में दिया, वहां भी उनकी एक ना सुनी गई। स्थानीय थाना प्रभारी तलाक देने के लिए तरह तरह की धमकियां भी दे रहे हैं। पीड़िता ने यह भी बताया कि उनके पति का उनकी जेठानी से अवैध संबंध है। पीड़िता ने कई बार उन्हें रंगे हाथ भी पकड़ा है एवं विरोध करने पर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया गया। अंत में आज पीड़िता ने सीओ नानपारा को भी लिखित तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई, जिस पर महोदय ने पीड़िता को आश्वासन दिया कि मामले की जांच कर दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। हमारे संवाददाता मकसूद रजा के साथ शफीक खान की रिपोर्ट। नाम बताइए अपना। साहिबा। कहाँ रहती हो? नवाब बक्सी गांव। बक्सी गांव। क्या दिक्कत है? हमारी शादी हुई है। कहाँ से? नवाबगंज। आपके हस्बैंड का क्या नाम है? अशरफ। अशरफ, क्या दिक्कत है, क्या मामला है? शादी करके हम लोग मुंबई लेके गए जी, फिर वहाँ पर मारते पीटते हैं दहेज के लिए जी, बोल रहे हैं कि लेके आओ। कितने दिन पहले शादी हुई है? एक साल पहले शादी हुई है, 2019 में। तो कहीं आप दरखास्त दिए जी नवाब में? तो क्या हुआ वहाँ पे? कोई सुनवाई नहीं है, बोल रहे हैं कि तलाक दें। जबरदस्ती पुलिस वाले तलाक दिलाते हैं? महिला थाना आप नहीं गई? गई थी। तो वहाँ क्या हुआ? कुछ नहीं सुनाया, कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, क्या बोल रहे हैं आपके हस्बैंड? बोल रहे हैं कि हमको नहीं ले जाना, नहीं लेके जाना है। कोई चीज़ के लिए प्रेरित कर रहे हैं, मार रहे हैं या पीट रहे हैं, गलत इंजाम लगा रहे हैं? अच्छा, भाभी भाभी के चक्कर में, भाभी के चक्कर में आपको लेकर नहीं जाते हैं, बोल रहे हैं मैं तलाक दूंगा जी। अच्छा, क्या भाभी से अवैध संबंध है उनका? क्या भाभी का नाम क्या है? समा। तो आज यहाँ नानपारा आई हैं, तो उस हिसाब से मुलाकात हुआ? क्या बोले? बोल रहे हैं आपकी मदद करेंगे। आपकी मदद करेंगे जी। आप क्या चाहती हैं? हम जाना चाहते हैं। आप जाना चाहते हैं, वो लेकर नहीं जाते हैं जी। आपको रखना क्यों नहीं चाहते हैं? दहेज के लिए बोल रहे हैं कि लेके आओ 2 लाख रुपया। क्या मांग रहा है जिसे दहेज में, आपसे क्या मांग रहा है? बोल रहा है कि गाड़ी लेके आओ 2 लाख रुपया। अच्छा, और भाभी के संबंध है इसलिए। अच्छा, आपसे दहेज भी मांग रहा है, गाड़ी और भाभी के संबंध में आपको लेकर नहीं जाता? अच्छा अच्छा, ये बगल में कौन है? आप क्या कहना चाहते हैं? मैं लड़की की माँ। तो क्या दिक्कत है आपको? साथ में आती जाती हैं तो कहीं कोई सुनवाई? हाँ, कोई सुनवाई नहीं थी। जब लड़की की शादी किया जी, फिर उसके बाद मैं लेके गए जी, फिर वहाँ मारना पीटना शुरू कर दिए जी, और वो भौजाई के चक्कर में है और कहते जाके रुपया लेके अभी कम दहेज दिए, दहेज देने के बावजूद में और दहेज चाहिए। अच्छा, यानी वो छोड़ना ही चाहते हैं? छोड़ना ही चाहता है वो। अच्छा, आपकी क्या मनता है, आप भेजना चाहती हैं? भेजना चाहते हैं। अच्छा, वो लेकर नहीं जाते हैं? लेकर नहीं जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ क्या साहब से मुलाकात हुई? जी, साहब से मुलाकात हुई। तो क्या बोले? मदद करेंगे। अच्छा, आपकी मदद करेंगे जी, बोले। चलिए ठीक है।